गाइस वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हमारे पास गाइस एक सेट रिपेयर के लिए आया हुआ है। गाइस ये हमारे पास एक सेट रिपेयर में आया हुआ है और ये गाइस एक शॉपकीपर के थ्रू हमारे पास रिपेयर के लिए आया हुआ है। गाइस ठीक है, तो ये फ़ोन बिल्कुल ही डेड कंडीशन में हमारे पास रिपेयर के लिए आया हुआ है। ठीक है, देखो गाइस ये फ़ोन है, इसका ऊपर का जो पूरी तरीके से ये पूरा फिक्स है, पूरा ओके कंडीशन पे है गाइस। ठीक है, ये मैं इसको यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ और देखो गाइस इधर आप यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस इसकी किस तरीके की कंडीशन है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो गाइज ये इसी कंडीशन में हमारे पास रिपेयर के लिए आया हुआ है जो कि काफ़ी भद्दा कंडीशन है। गाइज ये आप देख सकते हो, इसके ऊपर किसी ने काम करा है बट सही तरीके से नहीं किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये रिपेयर में आया हुआ है। ठीक है गाइज, यहाँ पे मैं आपको साफ आप बिल्कुल क्लियर दिखाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ गाइज। ठीक है, तो इसी कंडीशन में गाइज हमारे पास ये फ़ोन रिपेयर में आया हुआ है और ये गाइज रेडमी का 9 पावर सेट है। ठीक है, ये आप देख सकते हो कंडीशन बैक साइड से, यहाँ पे जो हमारा PMI 632 जो IC होता है गाइज लगा हुआ, जिसको हम DC-to-DC IC बोलते हैं, तो वो यहाँ पे लगा हुआ होता है और इसके ऊपर काम किया हुआ है। इसके ऊपर की पूरी लेयर निकली हुई है, IC सीधा लगा हुआ है या उल्टा लगा हुआ वो भी पता नहीं चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से काम किया हुआ है। और यहाँ पर हमारा ये क्वालकॉम का ये IC लगी हुई है, यहाँ पर हमारा UFS लगा हुआ है, तो बैक साइड ज़्यादा काम नहीं लग रहा है, जहाँ पर ये जो मेन है वहाँ पर ज़्यादा काम लग रहा है। और मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये भी जो केन होता है जिसके APT IC होती है, इसके ऊपर भी शायद काम किया हुआ है। ठीक है गाइस, तो अभी इस कंडीशन पे आप देख सकते हो, मदरबोर्ड की मैं कंडीशन दिखाता हूँ। मेन जो हमारा पावर AC है, इस स्क्रीन को ओपन नहीं किया गया, ऊपर से तो आपको बिल्कुल फ्रेश लग रहा है, जब बैक साइड आप देखोगे गाइस तो हिल जाओगे, मतलब यहाँ पे किसी ने काम किया हुआ है, शायद किसी ने थोड़ा सा साफ भी नहीं किया। आप कंडीशन देखो, ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों से ये इसी तरीके से रखा हुआ था, देख सकते हो। ठीक है, तो खैर जो भी हो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम इसको देखेंगे, कोशिश करेंगे रिपेयर करने का, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। अभी अगर इस कंडीशन में अगर मैं इसकी शॉर्टिंग वगैरह चेक कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या बताता है। ठीक है, और उसके बाद गाइस सबसे पहले ये जो IC है इसको रिफ्रेश करेंगे, मतलब फ्रेश करके इसको हटा के पहले कोई नई IC डालेंगे और स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि फोन के अंदर अभी देखो IC तो वैसे देखने से ही लग रही है कि IC टेढ़ी बैठी हुई है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे अपने मल्टीमीटर को जो वो डायोड मोड के ऊपर सेट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या दिखाता है। तो ये डायोड मोड के ऊपर मैंने मल्टीमीटर सेट कर दिया हूँ, मैं जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा, और यहाँ पे हम जो यहाँ से VPH हमारी आउट होती है उधर चेक कर लेते हैं। देखो गाइस, यहाँ से जो रीडिंग है वो हमारी प्रॉपर आ रही है, देखो यहाँ पे अगर देखने को मिल रहा है आपको बिल्कुल ओके है। और इस तरीके से अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पे देखो 1500 के समथिंग कुछ रीडिंग शो हो रही है। ठीक है, और बैक साइड अगर बैटरी कनेक्टेड पे अगर मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, तो यहाँ पे ये रिवर्स वाइस में 586 और यहाँ पे ये फॉरवर्ड वाइस में अगर चेक कर लेता हूँ तो फॉरवर्ड वाइस में कोई भी शॉर्टिंग देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऐसा करते हैं हम कि इसको पहले करते हैं क्लीन। ठीक है, और क्लीन करने के बाद ये IC पहले हम चेंज करते हैं। इसके लिए सीधे हम चलते हैं अपने माइक्रोस्कोप के ऊपर और इसकी कंडीशन को वहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे जो है मैंने इसकी ये जो IC है DC-to-DC IC वो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है, जैसा कि गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलो एक बार ये आप सेट को चालू करके देखते हैं कि यहाँ पे जो सेट है वो हमारा चालू होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो इसी कंडीशन में यहाँ पे हम सेट को लगा देते हैं। तो गाइज यहाँ पे एक बार हम सेट को पैक कर देते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि पहले सेट जो है ना ऑलरेडी पहले किसी ने साथ काम करा है और जैसा कंडीशन आपने देखा है मदरबोर्ड की। ठीक है, और इस कंडीशन में एक बार मैं इनकी पावर की को प्रेस करता हूँ। देखो गाइस, मैंने इनकी पावर की को प्रेस करा तो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, सेट चालू नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे नहीं आ पा रहा है, कोई भी वाइब्रेट नहीं हो रही है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक बार जो है सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारा USB चार्जर है, तो ये वाला पॉइंट है हमारा USB चार्जर का Type-C का, और यहाँ पे कुछ भी अभी जो है वो एम्पेयर नहीं ले रहा है, तो एक बार मैं यहाँ पे लगा के देखता हूँ चार्जिंग पे। देखो गाइस, यहाँ पे मैंने लगा दिया और यहाँ पे अभी भी कुछ भी एम्पेयर, कुछ भी मिली एम्पेयर, कुछ भी शो नहीं हो रहा है और यहाँ पे भी कुछ भी शो नहीं हो पा रहा। ठीक है, मैंने इसका जो APT IC उसका भी केन को ओपन करा था तो वहाँ पर देखा मैंने बिल्कुल फ्रेश था, तो फिर से मैंने केन को वापस जो है उसके ऊपर
लगा दिया। ठीक है गाइज, देखो कुछ भी इस पे जो है वो यूएसबी चार्ज पे भी कोई एम्पेयर कुछ भी रीडिंग नहीं कंज्यूम हो रही है। अब इसी कंडीशन पे एक बार हम अपने जो हमारा डीसी मशीन होता है उस कंडीशन में डीसी मशीन के ऊपर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या दिखाता है। तो इस कंडीशन में मैंने चार्जिंग को बाहर निकाल दिया है और यहाँ से इनका ये बूट केबल मिल चुका है मुझे। तो इस तरीके से बैटरी निकाल के यहाँ पे एक बार मैं इसको लगा के इस कंडीशन पे अब मैं एक बार इनकी पावर की को प्रेस करता हूँ। देखो गाइस, अभी मैं यहाँ पे पावर की को प्रेस कर रहा हूँ बट फिर भी कोई भी एम्पेयर या फिर कोई भी रीडिंग यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं ले रहा है ये फ़ोन बिल्कुल ही, कोई भी सांस और ढेकार बोलते हैं ना हम लोग हिंदी लैंग्वेज में, कुछ भी नहीं हो रहा है गाइस, ये बिल्कुल ही डेड है एकदम। ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई भी सांस नहीं ले रहा है, कुछ भी इसके अंदर कोई भी कंज्यूमिंग नहीं हो पा रही है। ठीक है, ना ही हमारे यूएसबी चार्जर के ऊपर, ना ही हमारे डीसी मशीन के ऊपर। ठीक है, तो गाइज ये कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, एक बार मैं इसको पोर्ट भी चेक कर लेता हूँ कि ये पोर्ट बनता है या नहीं बनता है। तो गाइज यहाँ पे मैं अपने पीसी पे एक बार पोर्ट भी चेक करता हूँ कि कुछ पोर्ट वगैरह बनता है या नहीं बनता। वैसे गाइज बनेगा नहीं क्योंकि इस पे डीसी मशीन पे कोई रीडिंग ले भी नहीं रही है, तो मैंने यहाँ पे पीसी के साथ कनेक्ट कर दिया है और गाइज यहाँ पे कोई पोर्ट भी शो नहीं हो पा रहा। ठीक है गाइस, तो इस कंडीशन में करना है क्या गाइस, आपको एक बार सीपीयू को रिवॉल्व करना है जब कुछ भी नहीं ले, क्योंकि मदरबोर्ड बिल्कुल फ्रेश कंडीशन है, शॉर्टिंग कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर हो सकता है किसी ने काम किया हो तो सीपीयू पे हिट वगैरह दे दिया हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम गाइस इसका केन को ओपन करेंगे और इसके जो सीपीयू है गाइस उसको एक बार रिवॉल्व करके हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो गाइस इसको सीपीयू एक बार रिवॉल्व करके देखते हैं आगे क्या होता है। गाइज यहाँ पे मैंने इसके जो सीपीयू है गाइज उसको मैंने यहाँ पे रिवॉल्व कर दिया है। ठीक है, और बारी है अभी चेक करने की क्योंकि इसके ऊपर मैंने सीपीयू को भी रिवॉल्व कर दिया है, ये जो इसकी सीपीयू है उसको मैंने यहाँ पे रिवॉल्व करके फिक्स कर दिया गाइज। ठीक है, तो चलो एक बारी फिर से इसको ऑन करके देखते हैं कि क्या ये सेट ऑन हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। तो चलो देखते हैं गाइज इसके ऊपर सब कुछ हम यहाँ पे लगा देते हैं इस तरीके से। गाइज हम यहाँ पे कर देते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक और डिवाइस था जो कि ये इसका डिस्प्ले टूटा हुआ है तो इसकी बैटरी थोड़ी सी चार्ज है, तो इसलिए मैं इसको अभी लगा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको लगा के हम देखते हैं यहाँ पे। देखो गाइज मैंने इनकी पावर की को प्रेस करा और अभी भी ये जो सेट है वो ऑन नहीं हो पा रहा है। देखो ये अभी भी ये सेट ऑन नहीं हो पा रहा है गाइज। ठीक है, देखो और ये मेरे पास एक और सेट था, देखो ये सेट था मेरे पास ये 9 पावर का और ये भी है मेरे पास, बट ये भी सेट जो है वो फिलहाल इसकी भी इस बैटरी से भी सेट जो है वो हमारा ऑन नहीं हो पा रहा है, कुछ भी डिस्प्ले पे शो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगर इसी कंडीशन में मैं एक बार फिर से यूएसबी पोर्ट जो चार्जर होता है उसके ऊपर मैं यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ आपको कि अभी भी कुछ इसके ऊपर शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे चार्जिंग को लगा देता हूँ। देखो गाइस मैंने यहाँ पे चार्जिंग को लगा दिया है बट यहाँ पे अभी भी कुछ भी इंडिकेट नहीं हो रहा है। अब देखो
कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब सेम कंडीशन है जैसे पहले था वैसे अभी भी है, बिल्कुल डेड कंडीशन में, ठीक है। तो चलो गाइज, अभी ये जो प्रॉब्लम है वो इसे पावर एसी से भी होता है, ठीक है। इसके अंदर क्वालकॉम बेस है तो इसके अंदर ज़्यादातर मैंने जो है वो सीपीयू से देखा है, इसलिए मैंने सीपीयू रिवॉल्व करा है। और दूसरी चीज, सीपीयू की ज़्यादातर प्रॉब्लम इस डिवाइस के अंदर आती भी है, ठीक है, तो इसलिए मैंने करा, ठीक है। और ये जो पावर सेक्शन है, अभी ये जो पावर एसी, एक बार इसको हल्का सा मूव करके देखते हैं कि आगे क्या होता है, ठीक है। चलो ये किन फटाफट ओपन करके एक बार ये जो आईसी है इसको भी एक बार हम हिट करके देख लेते हैं। फ्रेंड यहाँ पे जो है मैंने इसकी जो पावर एसी है उसका जो शील्ड मैंने ओपन करके इसकी जो पावर एसी है उसको मैंने हल्का सा यहाँ पे हिट कर दिया है, ठीक है गाइज। और अभी हम चेक कर लेते हैं कि फ़ोन हमारा चालू हुआ या फिर नहीं हुआ, क्योंकि पहले बिल्कुल ही डेड कंडीशन में था, ठीक है। पहले जो है मैंने इसकी जो PMI 632 को मैंने यहाँ पे चेंज करा। दूसरी चीज़ गाइज, मैंने इसकी जो ये CPU है उसको भी मैंने रिवॉल्व करा। और तीसरी चीज़ गाइज, उसके बाद भी इन पे कोई भी जो है वो गाइज कुछ भी नहीं हो पा रहा था, तो इसकी जो पावर आईसी है उसको मैंने हल्का सा यहाँ पे हिट दिया, ठीक है। तो खैर चलो अभी एक बार इसको चेक कर लेते हैं क्या ये सेट अभी भी ऑन हुआ या फिर नहीं हुआ, ठीक है। देखो गाइज, इस तरीके की जो प्रॉब्लम है, जो कि आपने DC मशीन में भी देखा कि DC मशीन पे भी कोई रीडिंग नहीं ले रही है, ना ही हमारा जो USB चार्जर है उसके ऊपर भी कोई रीडिंग नहीं ले रहा है, ठीक है। तो चलो एक बार फिर से इसको हम चेक कर लेते हैं क्या दिखाता है, क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। तो इसके लिए सिंपली हम यहाँ पे इस फ़ोन को कनेक्ट कर देते हैं, और एक बार जो है सीधा इसको हम बैटरी कितनी चार्ज है उसको भी एक बार पहले कन्फर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं और एक बार इसको ऑन करके भी देखेंगे। और उससे पहले गाइज एक बार इसको हम अपने USB चार्जर के ऊपर कनेक्ट करके देखते हैं कि वहाँ पे क्या दिखाता है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज हमारा ये USB चार्जर है, ठीक है, ये हमारा USB चार्जर। तो सॉरी, यहाँ पे इसमें टाइप सी लगता है, तो यहाँ पे गाइज टाइप सी लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं टाइप सी लगा लेता हूँ। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं। देखो गाइज, यहाँ पे गाइज मैंने ये टाइप सी को लगा दिया, अभी मैं आपके सामने एक बार लगाता हूँ। देखिए गाइज, मैंने इसके ऊपर टाइप सी लगाया, बट यहाँ पे अभी भी कुछ भी इंडिकेट नहीं हो रहा है। यहाँ पे अब USB चार्जर के ऊपर कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो चलो एक बार हम इसको DC मशीन के ऊपर भी चेक कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम DC मशीन के ऊपर भी एक बार इसको चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इसका जो बूट केबल है वो यहाँ पे हमको मिल चुका है गाइज, इनका यहाँ से बैटरी बाहर कर देते हैं और एक बार इसको ऑन करके देखते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है, अभी मैं इनकी पावर की को प्रेस करता हूँ। देखो गाइस, यहाँ पे फ्रेंड अभी क्या हो रहा है कि सेट हमारा यहाँ पे रीडिंग ले रहा है, और देखो गाइस यहाँ पे सेट भी हमारा यहाँ पे ऑन हो गया। ये आप देख सकते हो गाइस कि यहाँ पे सेट हमारा ऑन हो गया है, और यहाँ पे हमारे DC मशीन पे रीडिंग देख सकते हो कि रीडिंग भी हमारी फ्लैक्चुलेट होने लगी है, और यहाँ पे सेट भी हमारा ऑन हो गया है। देख सकते हो गाइस, बिल्कुल ही पहले डेड कंडीशन में आया हुआ था, किस तरीके की कंडीशन थे वो आपने देखा गाइस। इसके ऊपर पावर एसी पे जैसे मैंने काम करा है, हीट मैंने उसके ऊपर दिया है, तब जाके ये जो सेट मुझे लगता है ये ऑन हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये शायद अभी ऑन हुआ, यहाँ से धीरे धीरे जो इनकी जो रीडिंग है वो कम हो गई DC पावर की, तो यहाँ से ये बंद हो चुका है। तो ऐसा करता हूँ, मेरे पास एक और यहाँ से ये निकल भी चुका है, कह लो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास एक और ये था, जिस मतलब डिस्प्ले, एक और डिस्प्ले है हमारे पास, तो उसके ऊपर हम लगा के देख लेते हैं। इसका ये डिस्प्ले है हमारे पास, तो इसके ऊपर एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे ऑन होता है या नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके से एक बार मैं ऑन करता हूँ आपको गाइस पूरा मदरबोर्ड दिखाऊंगा। गाइस ऐसा नहीं लगे कि आपको मैंने मदरबोर्ड पे चेंजिंग कर दिया है। देखो गाइस, यहाँ पर भी इस वाले डिवाइस के ऊपर भी ओपन हमारा सेट हो गया गाइस, ठीक है। जबकि पहले बिल्कुल ही डेड कंडीशन में था, इसके ऊपर मैंने तीसरा स्टेप किया जब जाके फ़ोन चालू हुआ, जिसमें PMI 632 ऑलरेडी उसकी लेयर वगैरह निकली हुई थी, तो ऐसा लग भी रहा था कि वो डैमेज, तो उसको मैंने चेंज कर दिया। उस टाइम DC मशीन पे USB चार्जर पे कोई रीडिंग नहीं था। उसके बाद मैंने CPU को भी रिवॉल्व करा, ठीक है, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। तीसरी चीज़, मैंने इसके ऊपर पावर AC के ऊपर हिट दिया, तब जाके इसके ऊपर गाइस ये आया, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है, देखो गाइस इस तरीके की प्रॉब्लम Redmi 9 पावर और Qualcomm के जो काफ़ी सारे Qualcomm बेस के जो भी IC हैं उन सभी पे मैंने गाइस काम किया हुआ है,
जो कि ज़्यादातर इस तरीके की प्रॉब्लम मुझे CPU से मिला है। और अगर आपके पास इस तरीके का प्रॉब्लम आता है तो एक बार आप उस पर पावर IC पे भी जरूर काम कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की प्रॉब्लम पावर IC से भी आती है, जो कि MediaTek में मैंने आपको सैमसंग का A12 मॉडल में दिखाया था, उस पर भी USB चार्जर पे और DC मशीन पे कुछ भी नहीं ले रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गाइस फ़ोन हमारा हो चुका है चालू। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ें हमारी वर्क भी हो रही है। देखो गाइस यहाँ से सब कुछ हमारा टच वगैरह भी सारा काम कर रहा है। ये एक ओल्ड हमारे पास इसके बैटरी वगैरह पड़ी हुई थी, देखो गाइस। ठीक है, तो गाइस ये पावर IC से भी प्रॉब्लम आती है, तो पावर IC पे भी काम कर लेना, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने इसकी PMI 632 को भी चेंज करा और इसकी मैंने CPU को भी रिवॉल्व करा। आप डायरेक्ट पहले पावर IC पे ही वर्क कर सकते थे, बट ऐसा नहीं है गाइस। इस सेट पे मैंने इस तरीके की प्रॉब्लम की थी, बट इस तरीके की प्रॉब्लम पावर IC से भी होती है, तो पावर AC पे ही पहले आप काम कर लेना, उसके बाद जाके आगे कहीं पे भी काम अप करना। ठीक है, मदरबोर्ड की कंडीशन देख सकते हो गाइस, ये वही मदरबोर्ड है, ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने चेंज कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड। ठीक है, तो फ्रेंड उम्मीद है कि ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड। हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। और एक बार मैं सेट को फिर से आपके सामने ऑन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो गाइस यहाँ पे मैंने सेट को ऑन करा, सेट यहाँ पे हमारा ऑन हो गया गाइस। ठीक है फ्रेंड, हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।